राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्लिप सुन लेते हैं। दूसरी किट मेरी कंप्लीट होगी सर, पर इस किट में मुझे काफ़ी फायदा मिला सर, और सॉफ्ट भी हो रखी है स्किन। बट सर थोड़ा जैसे लाइट हो रही ना, तो बीच में थोड़ा डार्क भी पड़ गई थी, फिर आजकल फिर ठीक हो गई सर। और जैसे मैंने कहा था सर, रिंकल पड़े थे, लाइन से पड़े थे, फॉरहेड पे थे सर, वो तो सही नहीं हुए। और जो मेरे पिंपल थे ना सर, पिंपल के निशान, तो पिंपल के निशान भी सही नहीं हुए। पर सॉफ्ट है मेरी स्किन, काफ़ी सॉफ्ट है, और मुझे तीसरी किट लेनी है सर। और सर आपने किट वो बोला था फेस पैक लगाने के लिए, तो सर मैंने लगाया भी, वो काफ़ी टाइम लगाया मैंने, एक हफ्ते तो लगाया होगा सर, तो मेरे पिंपल आ रहे थे सर उससे, और मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती सर। अब पहले ड्राई होती थी बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तो ज़्यादा ही, पर इस सर्दी में बिल्कुल भी, जब से मैंने किट दूसरी किट स्टार्ट की तब से मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है सर। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने सेकंड किट ली और सेकंड किट से इनको अनेक फ़ायदे मिले। जिस पहले इनकी स्किन सॉफ्ट हो गई, दूसरा पिंपल के मार्क इनका भी इनके पूरी तरह से नहीं गए हैं। फेस पैक इन्होंने लगाया तो पहले इनकी स्किन ड्राई रहती थी, परंतु अब स्किन इनकी ठीक है। इन्होंने कहा कि अभी बीच में फिर ब्लैक हो गई थी और फिर से सही हो गई। तो देखिए, ऐसे अनेक रोगी हैं पिगमेंटेशन वाले कि जिनकी स्किन बीच में ब्लैक हो जाती है और फिर बीच में सही हो जाती है। तो ये चीज़ उनको पता लगानी होगी स्वयं कि ये क्यों ब्लैक होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पीरियड्स के आने का समय है, मे भी हो सकता है कि उस समय ब्लैक हो गई, कुछ खाने या पीने की वजह से ब्लैक हो गई, स्ट्रेस लिया उससे ब्लैक हो गई, तो ये आपको पता लगाना होगा और वो चीज़ आपको छोड़ देनी होगी जिसकी वजह से ब्लैक होती है। ओके, चलिए आगे भी इन्हीं के कमेंट है सुन लेते हैं। और सर मुझे दूसरी किट में जो आपने बोला था कि 7 डिबियाँ मिली थी मुझे छोटी छोटी, जो एक दिन में एक डिबी फिनिश करनी थी और दूसरे दिन में गैप करना था, तो वो मिल चुकी है सर मुझे। और सर आपने क्रीम भी दी थी मुझे, तो क्रीम लगाने से भी मेरे पे पिंपल आ रहे थे सर। सॉफ्ट तो हो रही थी जब मैं लगा रही थी, उसके बाद जब चेहरा धो रही थी तो सर सॉफ्ट हो रही थी। और सर इस बार मुझे जैसे रिंकल बाहर लगाने के लिए ना क्रीम ऐसे देना सर जो रिमूव हो जाए लाइन से। और मुझे तीसरी ही किट लेनी, 3 किट कंप्लीट करने हैं सर जी। इन्होंने पिछली दो वीडियो में मुझे बताया कि हो ही जाएगा तीसरी किट से पूरी समस्या पूरी जी। इन्होंने दो किट में हमसे रिंकल्स के बारे में बात, दो ऑडियो क्लिप में इन्होंने हमें रिंकल्स की बात की है। तो रिंकल्स के लिए हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको आगे फेस पैक में। पिगमेंटेशन कुछ लोगों की क्यों ठीक नहीं होती है, इसमें ये भी डिस्कस करेंगे। पिगमेंटेशन के क्या क्या आयाम हैं और ये क्यों ठीक नहीं होती, इसके अनेक कारणों में से कितने कारण हैं, उन सबको हम बताएंगे इस आने वाली वीडियो में। इस बार सर मुझे पहली किट में तो मुझे 10-15% ही मिला था, और इस बार मुझे 50-60% है ठीक लग रहा है सर। सर मैं पेमेंट कर दूंगी, मुझे तीसरी किट तैयार कर देना सर, और मैं मेरी चाहिए सर लगभग 10% और बची है। चलिए, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं कभी भी मेल के रिव्यू शेयर नहीं करता हूं, तो यहां पर मेल के भी एक ऑडियो है, तो चलिए इनका सुन लेते हैं। चलिए, इनका तो फाइनल हो गया ना, इनका तो समझ में आ गया कि इनको ये ठीक हो जाएंगे। आई थिंक तीसरी या चौथी किट में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। रिंकल्स हैं इनके, रिंकल्स इनके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम जो आगे आने वाली जो चीज़ हैं बताने वाले हैं, कुछ पेशेंट की मदद से जो पेशेंट यूज़ करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर इतने लंबे समय में ढूंढी हैं, खोजी हैं, वो आपको बताएंगे, जिनका हमने एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छे से। अभी हम इनका कमेंट सुन लेते हैं।
सही है सर, लगभग 10% और बची हैं, तो मुझे पांचवी किट की जरूरत पड़ेगी सर। तो ये अब तक 4 किट ले चुके हैं और लगभग इनकी पिगमेंटेशन 10% बची है, जो कि चली जाएगी आगे। जब 90% चली गई है 4 किट में, तो 5वीं किट में चली जाएगी। देखिए, हम हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर आपने कहा था कि 3 किट में आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। अनेक रोगियों की पिगमेंटेशन 3 महीने के अंदर चली गई। कुछ बचे हैं, जैसे अभी ये हैं, अभी देखिए वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 3रे किट में चली जाएगी पिगमेंटेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ट्रीटमेंट बहुत लंबा इनको नहीं करना पड़ा, 3 महीने के अंदर अंदर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये हैं, इन्होंने 4 महीने लिया है और कह रहे हैं कि केवल 10% बचा है। मुझे लगता है कि 5वीं किट में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी इनकी। राधे कृष्ण सर। और अब ये सब की कितने की आएगी और 5 की? राधे कृष्ण सर, मुझे 5 विकेट की जरूरत है सर, मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये फ़ोन को बहुत बहुत ही पास में ला के बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो नेचुरल रेमेडी हम यहाँ बताएंगे जिससे कि आपकी स्किन साफ हो और वाइट हो। राधे कृष्ण साहब, 4 किट यूज करने के बाद मुझे लग रहा है 80% मेरा क्लियर हो गया और सर मेरी मेडिसिन खत्म हो गई, तो मैं 5वीं किट की बोल रहा हूँ सर, ये लास्ट किट है मेरी और अच्छी भेज है, कितना पे करना पड़ेगा सर? अच्छा, तो ये हो सकता है कि पहले ये घर से बात घर से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी बाहर आके ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक सर, मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है, अगर उसकी भी कोई मेडिसिन हो तो सर अंदर मिला दीजिए। राधे कृष्णा सर, मुझे 5वीं किट की जरूरत है क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन में वो छोटे छोटे फ्लेक और बचे हुए, एक शायद मुझे लगता है एक लेयर बची और होगी। चलिए, तो हमने यहाँ पर 2 लोगों के कमेंट लिए, एक मेल और एक फीमेल। तो उन्होंने कहा कि रिंकल्स के लिए कुछ बताइए, और उन्होंने मेल ने कहा कि स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ नेचुरल चीज़ बताइए जो कि हम घर पे बना सकें। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे सबसे लास्ट पे। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि पिगमेंटेशन कुछ लोगों का क्यों नहीं जाता, या पिगमेंटेशन को ठीक कर पाना मुश्किल काम क्यों है। देखिए, मुझे ल्यूकोडर्मा या सोरियासिस या PCOD ठीक करना इतना मुश्किल नहीं लगता, ल्यूकोडर्मा को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल काम नहीं लगता है, ईश्वर की कृपा रही है मेरे ऊपर। पिगमेंटेशन को ठीक कर पाना मुश्किल काम क्यों है? देखिए, मुश्किल काम भी है और एक बहुत आसान काम भी है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट को हमने उन्होंने हमें समस्या बताई, हमने उनके मेडिसिन दी, उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई। पिगमेंटेशन वाले रोगी ने कोई डाइट फॉलो की, पिगमेंटेशन ठीक हो गई, घी लगाया, लार लगाई, पिगमेंटेशन ठीक हो गई। अभी 3 दिन पहले ही मुझे पेशेंट ने भेजा, बाहर की पेशेंट है वो, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं वो, उन्होंने कहा कि मैंने देसी घी मंगाया था घर से, इंडिया से मंगाया था उन्होंने, और ये उन्होंने लगाया, लार उन्होंने लगाई, और मेरे पास में फ़ोटो शेयर किया, असिस्टेंट के पास में फ़ोटो शेयर किए, कहा कि बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं भी देख कर सरप्राइज था कि कैसे ठीक हो गया, 3 महीने के अंदर अंदर इतना काला चेहरा और बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो देखिए, वो अपर लेयर में था इसलिए वो ठीक हो गया, जिन लोगों का डीप है उनको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ये जो पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है या कोलास्मा है, ये मल्टी डायमेंशनल बीमारी है, ये बहुआयामी बीमारी है, तो इसके उपचार भी बहुआयामी ही होंगे। तो बहुआयामी कैसे है, इसके कितने कितने बहुआयामी कैसे हैं, और इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्यों होता है? तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं जल्दी से आपके सामने बता देता हूँ, आप गिनते रहना इनको। ठीक है, तो सबसे पहला है आपके शरीर का एसिडिक नेचर होना, यानी कि हमारा शरीर, आप जानते हैं हमारे शरीर का pH होता है एक एसिडिक एंड आपका एल्कलाइन। तो जो एसिडिक होता है उसमें एसिड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, और एल्कलाइन जो हमारे शरीर होता है
तो हम ठीक रहते हैं। तो पहला कारण ये है कि आपका शरीर पूरे तरीके से या फिर जितने वो एल्कलाइन होना चाहिए अपने को ठीक करने के लिए, वो उतना एल्कलाइन हो नहीं पाता। तो उसके लिए हम आपके पानी में चेंज करेंगे। इस वीडियो में नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पानी में चेंज, आपके बताएंगे उस डाइट के बारे में कि आपने क्या करना है आगे। मतलब अगली वीडियो में हम ये जो फेस पैक आपको बताएंगे उसमें बताएंगे, इसमें भी आपको बताएंगे। ओके, दूसरा है आपकी पित्त प्रकृति का बैलेंस ना होना। पित्त प्रकृति को बैलेंस, इम्बैलेंस क्या क्या चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में एक चाय भी पी रहे हैं तो ये भी पित्त को आपको इम्बैलेंस करते हैं, क्योंकि मैंने इफेक्ट देखे हैं यहाँ पर और पेशेंट्स ने भी देखे हैं इफेक्ट। अगर वो चाय बंद कर देता है ना 1-2 महीने के लिए, तो उनका बहुत फास्ट जाता है, जिनका पित्त इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन नहीं जा रहा है। देखिए, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे एसिडिक नेचर 100 में से 10 के ऊपर ये वर्क करता है, यानी कि 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिनको एसिडिक नेचर है वो 10 ठीक नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से 100 में से 10 पेशेंट पित्त वाले हैं, जब तक पित्त बैलेंस नहीं होगा वो ठीक नहीं होंगे। 100 में से 10 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके शरीर के अंदर टॉक्सिन है, वो चाहे पुराने बीमारियों के हैं हों या फिर मेडिसिन के हों या फिर कुछ भी हों, टॉक्सिन हमारी थॉट से भी पैदा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन सोचना, बुरा बुरा सोचना, इन सब से भी शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होता है। तो तीसरा कारण ये है, पहला एसिडिक, दूसरा पित्त और तीसरा टॉक्सिन, ये मुख्य कारण है कि पिगमेंटेशन आपकी ठीक नहीं हो पाती। तो 2022 में सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इन तीनों चीज़ों को हम ठीक करें, इन तीनों चीज़ों को हम बैलेंस करें, टॉक्सिन को बाहर निकालें और आपका जो एसिडिक नेचर है और जो पित्त का नेचर है ये हम ठीक करें, ये हम बैलेंस करें। किसी मेडिसिन से नहीं होगा ये। हाँ, कुछ मेडिसिन इसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो परंतु सबसे पहला काम हम करेंगे आपके लाइफ स्टाइल में चेंज करने का, आपके वाटर में चेंज करने का, पानी में चेंज करने का, ताकि 1 से लेकर 3 महीने में आप ठीक हो सके। अगर आपको ये बाकी में है तो, अगर इसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको है तो, जो कि 100 में से 90 लोगों को होती होती है इसकी वजह से पिगमेंटेशन। ओके, ठीक है। फोर्थ है आपका हार्मोन, हार्मोन की वजह से, ये सभी लोग जानते हैं। अगला है आपका न्यूट्रिशन, गिनते रहना और मेरे को फिर बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना हुआ। पांचवा न्यूट्रिशन चल रहा है, इसके बाद में गिनती नहीं करूँगा मैं। अगला है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की अगर कमी है शरीर के अंदर आपके, तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन जाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कम है, विटामिन B12 कम है, आयरन कम है, पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। प्रोटीन कम है, कोलेजन कम है, पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। तो उसके लिए अनेक लोगों ने हाई प्रोटीन डाइट बता रखी है, वो डाइट बहुत अच्छी है, उससे ठीक हो जाएंगे, आप फॉलो कीजिए उसको। तो हाई प्रोटीन डाइट भी लेना आवश्यक होता है। ओके, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। लेकिन अगर जिनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन पूरा है, ये हाई प्रोटीन डाइट उनके शरीर के अंदर टॉक्सिन को पैदा करेगी, जिसकी वजह से उनका पिगमेंटेशन बद से बदतर हो जाएगा या फिर पिंपल्स में निकल सकते हैं चेहरे पर। जिनको न्यूट्रिशन कम है उनके लिए वो अमृत है। जिनका न्यूट्रिशन नॉर्मल लेवल पे है या फिर नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा है, उनके लिए वो जहर है। हाँ, अगर आप साथ में उतनी ही एक्सरसाइज आप करते हैं, उतना ही पसीना आप बहाते हैं और जितना आप जितनी कैलोरी आप विटामिन से आप ले रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं अपने एक्सरसाइज में, अपने वर्क से, तो आपके लिए बेनिफिशियल है वो, अदरवाइज़ तो वो पॉइजनस है। यानी कि आप इसको तब लें जब आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो। ओके, अगला है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, उसके जलवायु कैसी है, वेदर चेंज होने पर, जगह चेंज होने पर पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर में ही आ जाते हैं। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आप सभी ने यूज़ किए हुए होते हैं, या तो खाने में या फिर चेहरे पर लगाने में, ये कारण है। स्ट्रेस, स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि आपके ब्लड के अंदर एक पॉइजन को पैदा करता है, टॉक्सिन को पैदा करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चिक्स पर आपके इफेक्ट होता है। जब आपको गुस्सा होता है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, पता क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर बहुत अधिक होता है। आप जब चिंता में रहते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर अधिक होता है, अधिक होने की वजह से यहाँ पर जो छोटी छोटी ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये और अधिक आपको डार्क नज़र आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये डार्क हो जाता है, कारण यही है, ब्लड का फ्लो, वहाँ पर ब्लड का फ्लो अधिक होना, यानी कि इसका सीधा संबंध आपके हार्मोन से है।
मोबाइल फोन्स की वजह से भी पिगमेंटेशन ये बढ़ जाता है या फिर मुश्किल से ठीक होता है। आजकल के जो कैमरे हैं बहुत ही अच्छी फ़ोटो हमारी दर्शाते हैं, बहुत ही ऐसे है नहीं। अब देखिए मेरा मेरा चेहरा कितना यहाँ पर क्लीन लग रहा है ना, केवल लाइट और यहाँ पर कैमरे का कमाल है। इतना सफ़ेद मेरा चेहरा है नहीं जितना इसमें दिखाई दे रहा है फ़ोटो में, वीडियो के अंदर इतना है नहीं। जितना इसमें है इतना तो नहीं है खैर, क्योंकि मुझे दिख रहा है सामने की बहुत सफ़ेद दिखा रहा है मेरे चेहरे को, बट इतना नहीं है। तो अब आप जब मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कहते हैं कि अरे यार कितना सुंदर चेहरा है और कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन जब वही चेहरा अपने आप शीशे में देखते हैं तो असली कहानी तो वहाँ शुरू होती है। आप सोचते हो छी इतना गंदा चेहरा, और मोबाइल फ़ोन के अंदर इतना सुंदर चेहरा और यहाँ पर इतना गंदा चेहरा। जब आप गंदा इसको बोलते हो तो समझ लेना कि आप अपने स्किन से दुश्मन निकल रहे हो। जब आपने इसको गंदा बोला तो आपने इसके प्रति हेट की, आपने इससे दुर्व्यवहार किया, ठीक है, आपने इससे दुश्मनी की। तो जब भाई आपने इससे दुश्मनी की है, जब आपने इसको शत्रु बनाया है, तो फिर आप तो शत्रुता निभाएगी, आपको तो परेशान करेगी करेगी। तो मोबाइल फोन्स भी एक बड़ा कारण है जो कि हमारे साइकोलॉजी में ही कवर हो जाता है। डिस्टर्बेंस ऑफ लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ स्टाइल में डिस्टर्बेंस होना, एनवायरनमेंट में वेदर चेंज होना या फिर आपका एनवायरनमेंट चेंज होना, ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन, अगर आपने कोई भी मेडिसिन का ओवर यूज़ किया, वो चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो या फिर टीबी की दवाई हो या फिर कोई स्टेरॉइड हो या फिर नींद की दवाई हो, डिप्रेशन की दवाई हो, पिंपल्स की दवाई हो, उससे हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी इसी के अंदर आ जाती हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपकी इसमें हो गई। स्लीपलेस, प्रॉपर तरीके से नींद ना लेना जो कि आजकल के लोगों को बीमारी है, उससे भी आपके शरीर का ग्लूटाथायोन का लेवल बिगड़ जाता है। जब आप प्रॉपरली नींद लेते हैं तो आपका ग्लूटाथायोन का लेवल सही रहता है जो कि आपको ठीक करने का काम करता है। कॉन्स्टेंट लुक इन मिरर, अगर आप लगातार शीशे में देख रहे हैं अपने आप को, तो ये भी एक सबसे बड़ा रोग है। पिगमेंटेशन तो है ही रोग, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा रोग है। कंपेयर विद अदर्स, अपने आप को दूसरे के साथ में कंपेयर करना छोड़ दीजिए, आप करना मत क्या कीजिए। डू नॉट वॉन्ट टू फेस द वर्ल्ड और द पीपल, अगर आप दूसरे को फेस नहीं करना चाहते हैं तो ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। ट्राई टू हाइड, शाई, बेशफुल, अपने आप को छुपाने की कोशिश करना। जब आप चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हो तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। देखिए अभी मैंने यहाँ पर हाथ रखा अपने चेहरे पर, तो मेरे चेहरे पर ये छाया आ गई। छाया मतलब ये छाइयाँ जो तो बोलते हैं, तो मैंने प्रकाश से अपने आप को बचाने की कोशिश की, ऐसे करके मैंने हाथ रखा, तो मेरा ये जो एरिया था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर एक छाया बन गई, यानी कि छाइयाँ। तो एक कारण ये भी है कि जब आपने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करेंगे या फिर जब आप किसी से छुपने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के सामने जाने से कतराएंगे, या फिर अगर आप बहुत शर्मीले हैं, बेशफुल हैं, आप छोटी छोटी बातों पे शर्मा जाते हैं या फिर बाहर जाने में कतराते हैं कि कोई कुछ आपको बोल ना दे, तो ये छुपाना हो गया चेहरे को, ये छुपाना हो गया, तो छुपाने से चेहरे पर छाया आ जाती है एक तरह से। तो ये भी एक कारण है झाइयाँ होने का, पिगमेंटेशन होने का। ओके, ट्राई टू अवॉइड पीपल क्वेश्चंस, तो लोगों के क्वेश्चंस भी अवॉइड करने से, यही चीज़ है ना छाया चेहरे पर, यही। ओवर सेंसिटिव टू व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, अत्यधिक सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी एक कारण है। ओवर सेंसिटिव टू व्हाट पीपल से, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो ये भी कारण है। तो ये मुख्य मुख्य कारण हैं आपके, इसके अलावा और भी होंगे, तो फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इस बीमारी के आयाम हैं, तो निश्चित ही अगर इतने सारे आयाम हैं इस बीमारी को, अगर निश्चित ही अगर इतने सारे कारण इस बीमारी को बढ़ाते हैं, तो इसके उपचार भी अनेक होंगे जो कि हमने चर्चा की हुई है। आप हमारी साइकोलॉजिकल वाली वीडियोस देखिए, आप हमारी डाइट वाली वीडियो तो आप देखिए, उन सभी में आपको मिलेगा। हाँ, केवल हमने एक चीज़ के ऊपर लगी वीडियो नहीं बनाई है, आपके बॉडी के एसिडिक नेचर को कैसे बैलेंस करें, जो कारण हमने सबसे पहले आपको बताया था, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके।
ठीक है, तो अब फीसबैक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फीसबैक आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर चार तरह के आपको फीसबैक बताऊंगा, जिसमें भी आप सुटेबल हो आप वो कीजिए। मैंने आपको कहा था कि एक मोर्टार एंड पेस्टल ले आइए, खरल इसको बोलते हैं, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें डॉक्टर अपनी दवाइयों को पीसते हैं, है ना, समझ गए ना, मैंने पिछले तो पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था, वो आप ले आइए और उससे उसको उपयोग कीजिए उसमें। तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए और विटामिन ई ले लीजिए, उस में आप डालिए और उसको आप चलाते रहिए, उसको आप चलाइए, ठीक है। और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तब किसी शीशे में पलट के आप उसको रख लीजिए और डेली शाम को आप उसको यूज कीजिए, रात में उसको लगाइए, कोकोनट प्लस ग्लिसरीन प्लस विटामिन ई। अगर तब तक वो नहीं मिल रही तो आप उसको ऐसे मिक्स करके लगाइए, अदरवाइज़ तो उसको घिस के लगाना अच्छा काम करेगा। ऐसे ही लगाएंगे तो भी अच्छा काम करेगा, और घिस के आप लगाएंगे तो 10% ज़्यादा काम अच्छा काम करेगा वो। दूसरा है आपका कोकोनट प्लस एलोवेरा प्लस विटामिन ई, ये आप में लगा लगा सकते हैं, लेकिन देखिए एलोवेरा हर किसी को सूट नहीं करता है, तो ये भी आपने ये तरीका यही है इसको। तीसरा है मसूर की दाल प्लस कच्चा दूध प्लस घी, मसूर की दाल में कच्चा दूध आप मिलाइए, जब वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसमें घी मिला लीजिए, आधा चम्मच गाय का देसी घी तो बहुत अच्छा है, उसको आप ग्राइंड कीजिए अच्छे से उसी चीज़ में, खरल में, उसको मिक्स मिक्सी में मत कीजिएगा, मिक्सी में चीज़ें टूटती हैं, हमें तोड़ना नहीं है उनको, हमें उनको घिसना है, ठीक है। तो उनको घिसिए और उसको चेहरे पर लगाइए, अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जायफल है, जायफल को पत्थर पर घिसिए, उसमें कोकोनट ऑयल थोड़ा मिलाइए और उसको लगाइए, तो ये हो गया चार, ठीक है। चौथा वाला जायफल और कोकोनट, तो ये चार आपके फेस पैक हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर पहले सेशन में हमने यहाँ पर कमेंट लिए आपके कि लोगों ने क्या कहा है, कैसे उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है। दूसरे में हमने चर्चा की कि इसके कितने आयाम हैं और इसके क्या कितनी वजह हैं इसके ठीक ना होने की पिगमेंटेशन को, और इसके उपाय हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको ट्रीट भी करते हैं, आपको स्ट्रेस कम करने के लिए आपको तरह तरह की बातें भी आपको बताते हैं, सुनाते हैं, कहानी में भी सुनाते हैं। अगली वीडियो में भी आपकी जो जो ये वीडियो है, ये जितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम आपके बॉडी को एसिडिक नेचर को एल्कलाइन करने के लिए बताएंगे कि क्या करना है, आपको पित्त को बैलेंस करने के लिए उसमें बताएंगे, टॉक्सिन को रिलीज करने के लिए आपको बताएंगे कि क्या करना है, और थोड़ा सा ज्ञान आपको देंगे आपकी संकल्प की शक्ति पर, जो कि आपके ठीक करने में आपको मदद करेगी। ओके, एक बात हम करेंगे, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। फ्रांस के एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं इमाइल कुए, तो उन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, खास करके वो लोग जो कि हमेशा बीमार रहते हैं किसी ना किसी रोग से, वो चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, इवन कोई भी रोग, उनको जानना बहुत ही आवश्यक है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चलिए आप तैयार रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमेशा आपके लिए वीडियो डालूँ। ओके, तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जिस विषय में भी आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। परमात्मा सभी का भला करे।